हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज राइडिंग का पूरा सेटअप है अपना। इधर टॉप बॉक्स GoPro इज रेडी एंड आई एम गोइंग टू अलीबाग विथ माय कजिन एंड अनिल सर। आज बाकी की गैंग नहीं आने वाली है, सो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑलरेडी 8 बज रहे हैं एंड वी आर सुपर लेट, सो लेट्स लीव नाउ। गाड़ी पे बात करते हैं। 91 हो गया रे, कल 90 था, कल या परसों। डीजल का 18 हो गया। तो ऑफिशियली स्टार्टिंग और जर्नी हाईवे से कनेक्ट हो गए हैं। ये एक शॉर्ट राइड है, कुछ ज़्यादा लंबा नहीं जाने वाला है। देखने वाले कितना हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हो रहा है। इट्स 9:15 नाउ और हम लोग रुके एक ब्रेकफास्ट के लिए। अपनी बाइक देख लो, मस्त एकदम सामने सामने बाइक। और यहाँ पे घर से मिला हुआ उपमा और क्या, और बस राइड में मज़ा आ रहा है। अनिल सर एंजॉय, स्पेशली आज मुझे और मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में, क्योंकि जो स्मूथनेस आ रहा है ना बाइक चलाने में, क्योंकि जो सस्पेंशन है एकदम स्मूथ काम कर रहे हैं। ये तो अकेले जब रहते हैं तो धाड़ करके एकदम उछलती है गाड़ी। आज एकदम ऐसा लग रहा है वॉल्वो में बैठा हूँ, सो दैट्स अ गुड थिंग। लोडेड बाइक चलाने में ऑलवेज मज़ा आता है। दिस इज़ माय बाइक, दिस इज़ अनिल सर्स बाइक। बस अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं जल्दी। ब्रेक जो है ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो गया है। अपनी बाइक एकदम चकाचक टकाटक फर्स्ट क्लास है। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये कनेक्टेड नहीं है, रॉड आता है यहाँ पे, सो जब भी कोई गड्ढा आता है या बम्प आता है तो ये देखो ये हिलता है। और मेरे को डर सिर्फ इसी बात का है कि ये इधर से निकले ना, अगर गलती से भी ये निकल गया तो फिर प्रॉब्लम है। बट मेरे को नहीं लगता ये होगा, इतना भी वीक नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे रॉड लगाना पड़ेगा अपने को। ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड, लेट्स गो नाउ। लास्ट टाइम जब भी शुरू से आया था तभी AK1 का कैमरा था मेरे पास, AK1 H9R, एंड वो बार बार बंद पड़ रहा था। तो गाड़ी साइड में लगाओ, उसके बाद वो चालू करो, क्या प्रॉब्लम होता था मालूम नहीं। लेकिन वो वार्म अप जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वार्म अप करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, या फिर अगर बाइक भी बहुत दिनों के बाद स्टार्ट कर रहे तो उसको चालू रखो कुछ टाइम तक, उसके बाद चलाओ, तो वैसा उसका था। बट अभी GoPro है तो कोई टेंशन नहीं है। अपने को लेना है यहाँ से लेफ्ट, जो अलीबाग मुरुड लिखा है वो। पिछले बार जब मुरुड गए थे तो हम लोग सीधा चले गए थे, तो बहुत लॉन्ग कट था एंड रास्ते भी बहुत बेकार थे। अभी एक शॉर्ट ब्रेक के लिए रुके थे, वाटर ब्रेक के लिए। हम लोग है आवास विलेज में और अभी हम लोग जा रहे सासवणे विलेज में करमरकर म्यूजियम है, वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। बीच भी है वहाँ पे कोई, तो देखते हैं अभी तो दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं यार चलते हैं। और मज़ा आ रहा अभी तक, राइड बहुत अच्छे से रही। मैं बीच में इसके ब्लॉग में ऐसे बोलते जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो राइड है फुल ऑन था, मस्त है। रूट बहुत अच्छा था, बीच में थोड़ा सा पैच खराब था, बाकी तो बहुत फट्टे मज़ा आ रहा है। और ये पिलियन के साथ राइड कर रहा है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, पता ही आपको, तो ये रिस्पॉन्सिबल भी है साथ में, बट मज़ा आ रहा और यस मज़ा बहुत आ रहा है। और आप चलते हैं अभी यहाँ से, और नेक्स्ट जो है आपको GoPro मोड पे मिलेगा ये, तो मिलते हैं फिर, लेट्स गो। दिस इज द ब्यूटीफुल म्यूजियम। चलो पहुंच चुके हैं हम लोग करमरकर म्यूजियम में। ए कदीचे
दिस इज सो नाइस देखिए ये बहुत सही मेंटेन रखा है मेन मतलब एकदम अच्छा लग रहा है सी दिस ये एक्चुअली स्कल्पचर म्यूजियम है और जो भी हिस्ट्री है मैं आपको अंदर जाके बता दूँ सर कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा है यार लिटरली मज़ा आ गया और शायद से आपको दिखाया भी रहेगा कि इसके पीछे जो कलाकारी है वो किन की थी तो उनके उनका स्ट्रक्चर भी बना के रखा हुआ है बहुत अच्छा लगा देख के और उनके फादर साहब का भी है सो ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाल गंगाधर जी को देख के मतलब उनको हिस्ट्री में पढ़ पढ़ के ऐसा हो गया कि दिमाग में उनकी पिक्चर बैठ गई तो उनको देख के भी कितना अच्छा लगा जमशेद टाटा जी तो उनका भी बनाया हुआ है सो यार रियली मज़ा आ गया एटलीस्ट एक बार यहाँ पे आओ और आपको लगेगा कि यस आपने कुछ देखा है हिस्ट्री पढ़ने से अच्छा है कि आप यहाँ पे अपने आप में फील करो कि क्या था उस टाइम पे और जब ईयर्स उनके साथ लिखे हुए हैं 1945, 43, 50 तो अभी तक ये मेंटेन करके रखा है तो अपने आप में मैं इनको हेड्स ऑफ करता हूँ और म्यूज़ियम भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा है आप इसका जो है एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों देख सकते हो सो दैट्स इट गाइस बाकी आपको बताएगा अथर्व बेसिकली यहाँ पे आने का जो एंट्री फीस है वो 10 रुपीज़ पर हेड है तो हम और कैमरा के लिए भी 10 रुपये लेते हैं तो हम लोगों ने 40 रुपये पे किया है बट यहाँ पे आने के बाद 40 रुपये भी वर्थ लगता है सीरियसली ये जो सराउंडिंग है ना एटमॉस्फियर सराउंडिंग सो ब्यूटीफुल सो पीसफुल हो सकेगा तो नीचे जाके कवर करते हैं आपको गार्डनिंग दिखाते हैं और नीचे भी छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से सो दिस इज द ब्यूटीफुल गार्डन
यहाँ पे भी एक मूर्ति है, ये श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला। प्योर गांव की फीलिंग अगर आपको चाहिए ना, सो प्लीज़ डू विजिट हियर एटलीस्ट वंस। करमर कर म्यूज़ियम डालो मैप में, अलीबाग, आपको मिल जाएगा। एंड सी यार द एम्बियंस, पीस, वाइब, सो ब्यूटीफुल। इनफैक्ट यहाँ पे रात को हॉरर की भी शूटिंग कर सकते हैं। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूँ, परमिशन मिल जाएगी तो कर लेना। सो गाइज, एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली, क्योंकि जो उनकी हिस्ट्री है मैं वो नेक्स्ट वीडियो उसका अपलोड कर दूंगा। एंड फिलहाल मैं GoPro की बैटरी भी डेड हो रही है तो मुझे चार्जिंग पे भी डालना है। और यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा कोरलई बीच, विच इज़ ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर्स और कैन बी मोर देन दैट, मैंने देखा नहीं अभी तक। एंड ज़रूर यहाँ पे एक बार विजिट करके देखो, आपको सच्ची में बोलता हूँ बहुत सही लगेगा। और जो उनका हिस्ट्री का, जो उन्होंने हिस्ट्री जो भी बताई है मैम ने, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। सो गाइज, जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं देखने की, तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देखना। yes. आप उसमें देखोगे कि मैम की मेमोरी आज भी कितनी शार्प है, और उन्होंने वो पूरे मोमेंट जो है हमारे साथ जो है शेयर किए और एक एक चीज़ हमें बताई। शॉर्ट वीडियो था बट उन्होंने मैक्सिमम बताने का ट्राई किया, तो हेड्स ऑफ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उनका बैकग्राउंड है, वो एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, तो आप समझ सकते हो कि उनका मतलब अपने अंदर क्या जज्बा रहेगा। सो मिलके हमारे अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया, और एक जीने की तमन्ना जिनको नहीं है बिल्कुल भी, तो वो एक बार मैडम से मिल सकते हैं और अपने आप में एक जोश आ जाएगा। तो दैट्स इट गाइस, शी इज़ 87 ईयर्स ओल्ड, मतलब मानना पड़ेगा यार। सो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ कोरलई बीच कुछ समय बाद, अभी तो चार्जिंग पे डालना है GoPro। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऐसा समझ लो कि ये स्पेशल वीडियो था इसके लिए। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।